वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर का, संतनत का, इमारतों का ये हाल हो गया है। ना जाने हमने विजयपुर शहर के ना जाने बादशाहों का ये बादशाह यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह का यहाँ पर राजधानी तो है, मगर यहाँ पर इतने खूबसूरत खूबसूरत इमारतें कर चुके हैं, मगर आज अधिकारियों की लापरवाही से और यहाँ के लीडरों की लापरवाही से आज खात्मा होते जा रहा है ये सब इमारतें। अब यहाँ पर एक इमारत हमने आप तो स्क्रीन पे तो बता रहे हैं, ये इमारत का नाम कहते हैं मेहतर महल। अब कुछ लोग यहाँ के विजयपुर शहर के लोग कहते हैं भंगी महल भी कहते हैं। अब कुछ दिन पहले यहाँ पर बिजली और तूफान के वजह से यहाँ पर बिजली मार कर एक मीनर गिर गया था, ताकि एक कार भी यहाँ पर पूरा तबाह हो गई थी ताकि मीनार गिरने से। अब यहाँ पर कई साल हो गए, एक साल नहीं, दो साल नहीं, 20 साल करीब होने लग गए यहाँ पर ये मेहतर महल। खूबसूरत सा ये मेहतर महल आज भी यहाँ पर बम्बुओं पे खड़ा हुआ है, ताकि ना जाने कब किस पर गिर जाएगा और यहाँ पर कब किस पर आने जाने वालों पर किसकी मौत हो जाएगी पता नहीं। अब तो अधिकारी तो आ गए, मगर यहाँ पर जो गिरे हुए पत्थर है उसको ठिकाने पे लगाकर चले गए। फिर एक बोर्ड लिखते हैं डेंजर, आखिर इतना लिखकर चले गए। अब तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी यहाँ पर आकर ना यहाँ के आसपास मोहल्ले वालों को ना पूछे इसकी क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या आपको नुकसान हो सकता है, ताकि वो छोड़कर आपके कानून के चौकट में आसपास इमारतों के आसपास अगर किसी को नुकसान हो जाता तो आगे इसकी जिम्मेदार कौन हो जाते। ऐसे बहुत सारे इमारतें हैं जो कहते हैं 200 फुट, 300 मीटर, तो 200 मीटर। आप मीटरों में नहीं रह गया विजयपुर शहर, ऐतिहासिक शहर, अब आते आते गुम्बदों पर भी कहां बिल्डिंगें बन जाते हैं पता नहीं, क्योंकि अब तो सिर्फ ही होने लग गया है, ताकि आसपास कोई खुलासा नहीं है। बड़े बड़े आयतों के पत्थर कचरे के भाव में चले गए और ना जाने कितने इमारतें खोखले होकर गिर गए, मिट गए, मगर यहाँ पर कोई भी आवाज नहीं उठा सकते। आखिर आवाज तो उठे या ना उठे उनकी आवाजों पर छोड़ दिया गया है, मगर सिर्फ यहाँ पर ये चलता है दौलत कमाने की शौकीन है विजयपुर शहर में। दौलतमंद बनना चाहते हैं, ऐशराम बनना चाहते हैं, बड़े बड़े एमएलए बनना चाहते हैं और सुबह से शाम तक ट्विटरों में, फेसबुकों में, व्हाट्सएप में सिर्फ पोस्टरों में रह गए लीडर यहाँ पर, मगर कामयाब बिल्कुल ही नहीं रह गए। कम से कम अपने ऐतिहासिक शहर का तो यहाँ पर इज्जत तो बचा लेना अपना कर्तव्य होता है, मगर मेहतर महल इतना खूबसूरत मेहतर महल है, मगर यहाँ पर कुछ भी अगर यहाँ पर नहीं हो पा रहा। यहाँ पर तो सिर्फ लोहे के बम्बुओं पर सहारे खड़ा है ये मेहतर महल। अब तो ना जाने यहाँ पर इसको बनाने के लिए कितने दिन लगे होंगे, कितने इस खूबसूरत डिजाइन बनाने के लिए कितने साल भर लगे होंगे उस जमाने में, मगर इस जमाने में देखते देखते मिट जाने लग गया है। मगर कोई भी यहाँ का नेता, अधिकारी, यहाँ के लोग ना अब तक कोई इमारतों के लिए ना किसी अधिकारियों का ना पूछ पाए और ना देख पाए। कुछ लोग आके पूछ जाते हैं, मगर उनकी तो कोई ना कागज पत्र पर ना कोई अहमियत है, ना अधिकारियों को ना बिल्कुल कुछ भी है। अब उसी तरह ऐसे बहुत सारे इमारतें खोखले तो हो गए हैं, मगर ना जाने कब मिट जाएंगे ये पता नहीं, क्योंकि मेहतर महल ना जाने इस पर कुछ ना कुछ एक जरूरी बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है, मगर इस कहानी को यहीं पर शायद खत्म हो जाएगी। देखेंगे एक रिपोर्ट में।